नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये AmiBroker एंड MetaTrader दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को पूरा देख लीजिए, इससे शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आज को बैंक निफ्टी के ऊपर बेस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का डेट देख लीजिए, 10/12/2019। अगर आप आज को बैंक निफ्टी में काम किए हैं तो आपको पता है जो मार्केट कितना कैसा था, यहाँ पर आप प्रॉफिट कर पाए या नहीं कर पाए, दैट इज़ द अनदर मैटर। तो मैं आज को सिखाऊंगा जो इस मार्केट में कैसे आप अर्निंग करेंगे या कैसे अपना स्टॉप लॉस को या लॉस को बचाएंगे। मार्केट का जो मेन फंडा होता है, जो मुझे लगता है, ऐसा नहीं जो हमेशा आपको प्रॉफिट का बारे में सोचना है, प्रॉफिट का साथ साथ आपको सोचना है कैसे आप अपना लॉस को बचा पाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट का साथ साथ लॉस को भी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है जो कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टेक्निक डेली सेम परफॉर्मेंस देके जा रहा है या डेली आपको प्रॉफिट हो रहा है। और ऐसा भी नहीं होता है जो आपका फेवरेट स्क्रिप्ट है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, डेली सेम परफॉर्मेंस देखे जाए। मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ, सपोज आप प्रैक्टिकली सोचिए, 22 डेज मार्केट वर्किंग डेज होता है। अब बैंक निफ्टी हो या आपका कोई भी फेवरेट स्क्रिप्ट हो, कभी भी वो 22 डेज ही प्रॉफिट नहीं दे सकता। उसमें से वो 15 से 16 दिन अच्छा मोमेंटम देखे जाता है, 5 से 6 दिन खराब मोमेंट देखे जाता है। तो आप जैसे 15 से 16 दिन प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और वैसे ही 5 से 6 दिन जिसमें मार्केट काफ़ी ख़राब रहता है उसमें लॉस भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेट आप मंथ एंड में ऐसा एक सिचुएशन में आ रहे हैं जहां पर आपका प्रॉफिट कुछ खास हो नहीं रहा है। मगर आप अगर ऐसे सोचेंगे जो 15 से 16 दिन आपका मार्केट अच्छा रहा उस दिन आप अर्निंग किए, और 5 से 6 दिन जिस दिन मार्केट ख़राब रहा वह दिन आप प्रॉफिट तो नहीं किए, दैट इज़ अनदर मैटर, मगर लॉस भी नहीं किए, देन मंथ एंड में आपका जो प्रॉफिट रेशियो रहेगा वो सॉलिड रहेगा और आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। कंसेप्ट ऐसा रखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट डेली सेम परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जैसे मैं आज का बैंक निफ्टी का ही उसी का एग्जांपल देने वाला हूं, तो ऐसा सिचुएशन में इस टाइप का मार्केट में आपको क्या करना है, मार्केट का एगेंस्ट जाके आप कभी भी पैसा नहीं अर्निंग कर सकते हैं। आपको मार्केट को समझना है, उसका हिसाब से काम करना चाहिए। तो देखिए, आज का पूरा चार्ट वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। तो जैसे ये आज का फर्स्ट मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का कैंडल के साथ मार्केट शुरू हुआ है। मतलब ये ऑलरेडी पहले दिन सेल का कॉल दे के रखा था, इसीलिए वही सेल का कॉल को कंटिन्यू करेगा। सॉफ्टवेयर कभी भी ऐसा नहीं जो सेल का कॉल कल को दिया आज को फिर से सेल का कॉल देने वाला है। तो सेल का कॉल ऑलरेडी चल रहा है, इसका मतलब है इसी कॉल को कंटिन्यू कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट कैंडल। सेकेंड कैंडल में देखिए, आपको यहाँ पर एक स्टार बना रेड कलर का। तो स्टार एक्चुअली हम लोग जो ट्रेंड बेस कैंडल होता है उसका ऊपर बेस करके बनाने का कोशिश करते हैं। तो स्टार कैंडल जब तक ये कैंडल ख़त्म नहीं होगा तब तक स्टार कन्फर्म नहीं होता है, जो स्टार रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको ट्रेड करना है हमेशा उसका बाद वाला कैंडल से। और इसमें फंडा क्या होगा, जिस कैंडल में हम लोग स्टार बना रहे हैं उस कैंडल का आपका लो को देखना है। देखिए, मैं आपका सामने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कैंडल का लो का नीचे देखिए आपको एक रेड कलर का लाइन ड्रॉ कर दिया ये वाला। तो आपको ट्रेड करना है नेक्स्ट वाला कैंडल से, इसका पहले नहीं, जो स्टार रहेगा या नहीं रहेगा वो कन्फर्म नहीं हो रहा जब तक नेक्स्ट कैंडल ओपन नहीं हो रहा। तो अब ट्रेड कहाँ पर डालना है, ऐसा नहीं जो कैंडल बना मैं ट्रेड लगा दिया। जिस कैंडल में स्टार बन रहा है उसका लो का नीचे देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। तो कंसेप्ट यही रहेगा, जब तक कोई भी एक कैंडल, ऐसा नहीं जो यही वाला होना चाहिए, कोई भी एक कैंडल जब तक ये रेड लाइन का नीचे क्लोज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। एक्चुअली टेक्निकल टर्म में क्लोजिंग, नॉट उसको टच किया या उसको टच करके ऊपर आ गया, नॉट लाइक दैट। अगर जब तक ये मार्केट का कोई भी एक कैंडल, ये स्टार वाला हम लोग का जो कैंडल हम लोग बना रहे हैं, जो कैंडल ट्रेंड कैंडल हम लोग कहते हैं, उसका लो का नीचे कोई कैंडल आएगा नहीं, आपको ट्रेड नहीं डालना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कोई भी कैंडल, इसका लो, इस कैंडल का मतलब ये जो लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ उसका नीचे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ था, इसका मतलब है यहाँ पर आप ट्रेड नहीं डालें, सेलिंग में आप अपना ट्रेड नहीं डालें। तो ये आपको क्या हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, प्रॉफिट के बारे में मैं यहाँ पर बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप लॉस से बच गए। तो जैसे आप यहाँ पर एंट्री नहीं लिए तो अल्टीमेट आपको दिखा दिया मार्केट रिवर्स हुआ और ये अल्टीमेट ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद यहाँ पर एक बाय का कॉल बना है, और बाय का कॉल का पहला वाला कैंडल में देखिए ब्लू कैंडल है, उसका भी नीचे आपको एक ग्रीन कलर का स्टार दिखाई दे रहा है।
तो स्टार एक्चुअली हम लोग ओनली जो ट्रेड कैंडल है उसके ऊपर बेस करके, ट्रेंड फिल्ट्रेशन के ऊपर बेस करके बना रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल का हाई के ऊपर भी मैं एक लाइन ड्रॉ किया, बेसिकली सेलिंग में कैंडल का लो एंड बाइंग में उसका हाई। तो ये जो कैंडल का हाई ड्रॉ किया तो उसका ऊपर भी देखिए ये कैंडल, ये बाइंग का कॉल का जो कैंडल है वो गया नहीं, या फिर कोई भी कॉल गया नहीं, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर बाइंग भी नहीं करना है। तो उसका भी रिजल्ट देखिए आपको थोड़ा देर बाद दिखाई दिया और यहाँ पर मार्केट गिर गया। तो इस वीडियो में मैं जस्ट इतने आपको समझाना चाहता हूँ, जो सिर्फ प्रॉफिट का बारे में मत सोचिए, प्रॉफिट से ज़्यादा जरूरी होता है लॉस को बचाना। कंटिन्यूसली अगर कोई बंदा का लॉस होते रहता है तो उसका मोरल डाउन हो जाता है और लॉस करते रहता है। तो आपको फोकस करना है अच्छा मार्केट में, ट्रेंडी मार्केट में पैसा कमाना है। वैसे खराब मार्केट, साइडवेज, रेंज बाउंड कुछ भी बोलिए, उस मार्केट में आप अपना लॉस को कैसे भी करके बचा के रखना है। अगर आप खराब मार्केट में लॉस नहीं करेंगे देन आपका मोरल कभी भी डाउन नहीं होगा, आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे और आप कभी भी इस मार्केट में अर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं तो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ बताया नहीं, जस्ट बताया जो खराब मार्केट क्या है या रेंज बाउंड मार्केट क्या है और उस मार्केट में कैसे आप अवॉइड करेंगे काम करने से, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा चीज़ समझ में आया है और अच्छा भी लगा है। अगर अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना मत भूलिए। और अगर आप मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरीके का काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है जो सॉफ्टवेयर वाकई काम कैसे करता है, देन आप मुझे इस नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको बहुत सारा मेरा वीडियो देखना है देन सर्च कीजिए यूट्यूब में, जस्ट राहुल सरकार शेयर मार्केट बोल के आपको टॉप में ही मेरा चैनल दिखाई देगा। वहाँ पर बहुत सारा वीडियोज रहेगा, 5-10 वीडियो देख लीजिए, आपका मन में पूरा मन में जितना भी क्वेरीज हो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपका मन में जो भी डाउट रहेगा मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मैं जो चीज़ यहाँ पर समझाना चाहा वो आपको समझा पाया हूँ। थोड़ा सा मार्केट को लॉजिकली फॉलो करके देखिए, ये काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ जो ऐसा नहीं, जो मेरा टेक्निक फॉलो करने से कभी लॉस नहीं खाएंगे या डेली प्रॉफिट होते रहेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मार्केट में है ही नहीं जो आपको कभी लॉस ना खाए। मगर ऑब्वियसली मैं इतना बोल पाऊंगा, अगर आप सही टेक्निक या सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। आप खराब मार्केट में भी अपना लॉस को बचा लेंगे और प्रॉफिट इजीली अर्न कर पाएंगे, वो भी लॉजिक थिंकिंग के ऊपर बेस करके। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। थैंक यू सो मच।